अभी इस वक्त मैं दिल्ली के नया बाज़ार में ही मौजूद हूँ, और जिस तरीके से हम लगातार बाज़ारों को कवर कर रहे हैं और जो मोटा अनाज है, दाल हैं, चावल हैं, उनको हम कवर कर रहे हैं और ड्राई फ्रूट वगैरह के बारे में भी जानकारी हासिल कर रहे हैं, उनके भाव वगैरह भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे जो है मूंग दाल को लेकर के, कि मूंग दाल का इस समय क्या भाव चल रहा है, क्या उसकी डिमांड है और किन दिनों में उसकी डिमांड जो है वो ज़्यादा रहती है, और क्या मूंग दाल का और साबुत मूंग जो होती है, हरी साबुत मूंग और मूंग दाल, इस सब का क्या माहौल चल रहा है, उसी पर हम आज बात करेंगे। मैं सत्यनारायण तापड़िया RBDT फूड्स प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर हूँ। मैं इस दुकान की ओपनिंग 15 जुलाई को हुई है शुभारम्भ, और यहाँ पर दाल व चावल का सभी कार्य हो रहा है। मैं सभी तरह की दालें उपलब्ध हैं, मूंग तलाई, चना काबली चना तथा सभी प्रकार के चावल यहाँ पर उपलब्ध हैं, और बाज़ार से अच्छे रेट पर यहाँ पर उपलब्धता है। हम हरियाणा किंग चावल का व्यापार कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए जो मूंग है दाल साबुत और दाल का, इसका बताइए क्या भाव चल रहा है अभी और क्या इसमें तेज़ी है, गिरावट है? साबुत मूंग इस समय 92 से 92.5 रुपए चल रहा है रिटेल के अंदर, और पहले से कुछ 100 रुपए के लगभग डाउन हुआ है। मूंग दाल मोटी जो है वो 101 रुपए से 100 रुपए तक बिक रही है, मूंग छोटी 98 रुपए बिक रही है। ये लगभग इस समय कोई तेज़ी का माहौल नहीं है, बाजार सम पड़ा हुआ है। अभी जैसे त्योहारों का आगमन है तो ऐसे में क्या मूंग की भी डिमांड बढ़ती है क्या? नहीं, मूंग की डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती है, चना की डिमांड ज़्यादा बढ़ती है कि बेसन की खपत ज़्यादा होती है, इसलिए चना दाल से ही बेसन बनता है तो चना दाल की ही खपत ज़्यादा होती है। मूंग की दाल इस समय कम है? हाँ, या सामान्य भाव रहता है? सामान्य भाव रहता है। किस सीजन में ज़्यादा रहती है इसकी मूंग दाल का? दीपावली के आसपास में ज़्यादा बिकता है, और ये तलाई के अंदर जैसे नमकीन वगैरह के अंदर जब काम में लगती है उस समय ये ज़्यादा बिकती है। अभी जैसे जो नमकीन वाली तलाई वाली है उसी का भाव वगैरह भी कुछ तेज़ी नहीं है? नहीं, अभी कोई तेज़ी नहीं है, सब चीज़ में ढीला ही है। अभी जो भी आ रहा है कि इस नई फसल भी 15 दिन बाद अपने महाराष्ट्र की आ जाएगी, जिसके अंदर मूंग चमकी के नाम से जो क्वालिटी आती है, जो सबसे अच्छी क्वालिटी होती है, जो स्प्राउट्स वगैरह में काम आती है, उसकी भी बिक्री होने लगेगी। अभी जैसे कहाँ कहाँ से आती है मूंग जो है? मूंग हिंदुस्तान के सभी जगह होती है, और इसकी साल भर में चार से पांच क्रॉप होती है साल भर में, तो अल्टरनेट टाइम पर अलग अलग जगह पर अलग अलग समय पर ये आती है। इस समय जैसे पंजाब की मूंग आ रही है, इसके बाद महाराष्ट्र आ जाएगा, उसके बाद राजस्थान आ जाएगा, तो ये अलग अलग समय पर अलग अलग आती है। अभी जैसे MP वगैरह से भी आती है? हाँ, MP से अब आ रही है। अभी जैसे फसल इस बार बारिश का मौसम ज़्यादा रहा है कई जगहों राज्यों में जो नहीं, बारिश के अंदर हर साल ऐसे होता है, लेकिन असामान्य बारिश है इस साल, कहीं पर बारिश ज़्यादा हो रही है, कहीं कम हो रही है, तो कहीं फसलों को नुकसान है, कहीं नहीं है, तो इस वजह से अभी रेगुलरली माल तो आ ही रहा है, अभी कोई दागी नहीं हुआ है माल। यदि अब बरसात होती है तो माल दागी हो जाएगा, तो फिर भाव पर भी फर्क पड़ेगा। माल दागी पर दागी माल का भाव नीचा हो जाएगा, और जो फ्रेश माल आता है वो तेज बिकेगा। तो जिस तरीके से बताया कि मूंग दाल का सामान्य सा जो है भाव रहता है, इस समय मूंग दाल की कोई ख़ास डिमांड नहीं है, लेकिन जो तलई मूंग होती है, जिसकी मूंग दाल की नमकीन बनती है, उसका भी जो है सामान्य सा ही भाव चल रहा है। अभी बाज़ार में जो है मूंग के गिरावट है, आने वाले वक्त में देखना होगा कि अगली फसल में क्या कुछ तेज़ी आती है या नहीं आती है। मार्केट टाइम्स TV के लिए मैं दिल्ली से अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।